बिसमिल्ल रहीम अलकुम बी कॉम स्टूडेंट्स कैसे हैं बेटा आप सब लोग आई होप के सब बहुत अच्छे होंगे इन uh, बेटा चैप्टर नंबर फोर हमारा स्टार्ट हो गया जिसके अंदर हमने डिस्कस किया रिग्रेशन एंड को जिसमें सबसे पहला टॉपिक डिस्कस किया रिग्रेशन रिग्रेशन को हमने दो तरीक़ों से पढ़ा एक वाई ऑन एक्स एक एक्स ऑन वाई ठीक है बेटा लास्ट टाइम इसकी हमने प्रैक्टिस भी की और डिस्कस भी किया आई होप कि आपने इसकी मज़दीद प्रैक्टिस की होगी आज इसी का नया टॉपिक हम लेकर चलते हैं कोरिलेशन अब हम आगे चल रहे हैं ठीक है बेटा कोरिलेशन रिग्रेशन के बाद कोरिलेशन व्हाट इज अ कोरिलेशन देखें जी कहते हैं अ रिलेशन बिटवीन एनी टू वेरिएबल इज टर्म एज द कोरिलेशन इन अदर वर्ड द डिग्री ऑफ द रिलेशनशिप सही है असल जो बेटा डेफिनेशन इन वर्ड ऑफ द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल अगर हमारे पास टू वेरिएबल हैं एक वेरिएबल एक्स है और दूसरा वेरिएबल वाई इन दोनों के दरमियान डिग्री इन दोनों के दरमियान रेशो को कोरिलेशन कहते हैं कि ये दोनों किस रिलेशन से आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं ठीक है बेटा आगे देखते हैं नेचर ऑफ कोरिलेशन नेचर ऑफ कोरिलेशन क्या होती है सबसे पहले आता है द नेचर ऑफ़ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल अब हम उनके दरमियान देख रहे हैं टू वेरिएबल के दरमियान यानी एक्स और वाई वाई और एक्स के दरमियान क्या रिलेशन होती है नंबर वन सबसे पहले आता है डायरेक्ट और पॉजिटिव कहते हैं इफ़ वन वेरिएबल इज इंक्रीज अदर वेरिएबल आल्सो इंक्रीज अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है जैसे कि वाई इंक्रीज हो रहा है तो एक्स भी इंक्रीज हो जाए अगर एक्स इंक्रीज हो तो वाई भी इंक्रीज हो ऐसी सूरत में अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है और अगर पहला इंक्रीज़ हो रहा है दूसरा भी इंक्रीज हो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट और पॉजिटिव कोरिलेशन अकॉर्डिंग टू नेचर क्या कहेंगे बेटा डायरेक्ट और पॉजिटिव कोरिलेशन ठीक है अच्छा जी इसी तरीके से इफ वन वेरिएबल इज डिक्रीज अगर एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहेगा और दूसरा वेरिएबल भी इसके साथ डिक्रीज़ होने लगे ठीक है बेटा अगर एक वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज हो तो हम उसको क्या कहते हैं उसको भी डायरेक्ट कोरिलेशन कहेंगे देखिए वाई कम हो रहा है तो एक्स भी कम हो रहा है अगर एक्स कम हो रहा है तो वाई भी कम हो रहा है दोनों इंक्रीज डायरेक्ट कोरिलेशन पॉजिटिव कोरिलेशन दोनों डिक्रीज डायरेक्ट कोरिलेशन और पॉजिटिव कोरिलेशन यानी कि दोनों वेरिएबल के इंक्रीज और डिक्रीज़ होने के ऊपर हम कहते हैं डायरेक्ट कोरिलेशन होता है इसी तरीके से बेटा आगे देखते हैं इसकी अगली कंडीशन आती है हमारे पास जिसको हम डिस्कस करेंगे इनवर्स और नेगेटिव इसको वाइस वर्सा भी कहते हैं ठीक है इनवर्स और नेगेटिव इसको हम क्या कहते हैं बेटा वाइस वर्सा भी कहते हैं कहते हैं इफ़ वन वेरिएबल इज इंक्रीज बट अदर वेरिएबल इज डिक्रीज देखिए वाई इंक्रीज हो रहा है लेकिन एक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा है ठीक है वाई इंक्रीज हो रहा है लेकिन एक्स क्या हो रहा है बेटा डिक्रीज अच्छा इसी तरीके से अगर हमारा एक वेरिएबल है लाइक वन वेरिएबल इज डिक्रीज बट अदर वेरिएबल इज़ इन इंक्रीज यानी कि वाई डिक्रीज हो रहा है तो एक्स इंक्रीज हो रहा है इसको हम कहते हैं इनवर्स नेगेटिव या फिर वाइस वर्सा कोरोलेशन इनवर्स कोरलेशन भी कह सकते हैं नेगेटिव कोरलेशन भी कह सकते हैं बेटा और क्या कह सकते हैं वाइस वर्सा कोरिलेशन ये है नेचर ऑफ कोरिलेशन कोरलेशन की टू नेचर हैं जो आपके सामने आई एक पॉजिटिव और डायरेक्ट कोरिलेशन दूसरा नेगेटिव और इनवर्स कोरिलेशन इनवर्स कोरिलेशन को हम वाइस वर्सा कोरिलेशन भी कहते हैं ये बात क्लियर होगी बेटा आप लोगों को ओके okay, मजीद इसी के अंदर हम आगे चलते हैं इस कोरोन की कंडीशंस के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे मैथड ऑफ कोरोन के मैथड ऑफ क्रोलेशन क्या है ठीक है बेटा ये तो आपने कोरोन को डिस्कस किया उसकी नेचर को डिस्कस किया अब हमारे पास आ रहे हैं मैथड ऑफ कॉरेशन मैथड ऑफ कुरोलेशन के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे देर आर टू मैथड्स ऑफ क्रोलेशन देर आर टू मैथड ऑफ क्रोलेशन ग्राफिकल मैथड जिसको हम कहते हैं स्केटर डाइग्राम दूसरा हमारे पास होता है मैथामेटिकल मैथड जब मैथामेटिकल की बात होती है अब इसे कोरोन नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ते हैं कॉफिशेंट ऑफ कोरोन ठीक है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मैथड को फिर हम डिस्कस करेंगे कॉफी मैथामेटिकल मैथड को जी ग्राफिकल मैथड यानी कि स्केटर डाइग्राम अब अगर मैं स्केटर डाइग्राम या ग्राफिकल मैथड की बात करता हूँ तो अगर आप गौर करें तो अब हमारे पास ये आ गया बेटा ग्राफिकल मैथड और स्केटर डायग्राम आ गई इसके अंदर हम गौर से देखें हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन डायग्राम होती है बेसिकली ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है ये तमाम वैल्यू इंक्रीज़ हो रही हैं दोनों डिक्रीज़ हों ठीक है तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन अगर एक वैल्यू इंक्रीज हो रही हो और एक वैल्यू डिक्रीज हो रही हो और इससे इस तरह की लाइन बनेगी इसे हम कहते हैं नेगेटिव कोरिलेशन अगर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स पॉइंट्स को टेंट्स भी कहते हैं बेटा बहुत सारे टेंट्स यानी कि पॉइंट हों इस तरह जमा हो जाए उनमें कौन को, कोई नो no कॉरोलेशन या जीरो कोरोन कहते हैं इसको ठीक है बेटा अगर तमाम टेंट्स लाइन के ऊपर हों बिल्कुल जस्ट लाइक दिस अगर ये आउट नहीं होते तो इसको हम परफेक्ट नेगेटिव कॉरलेषन भी कहते हैं जिस तरह इसी तरीके से इसके भी तमाम से टेंट्स लाइन पर हों और अदर साइड पे ना हो तो इसे हम परफेक्ट पॉजिटिव कॉरोलेशन भी कहते हैं ये हो गए हमारे पास ग्राफिकल मेथड से कोरोन को डिस्कस करना इसी मजीद को हम आगे लेकर चलते हैं अब हम बात करेंगे मैथामेटिकल मैथड जिस अब कहते हैं एक द मैथड ऑफ कॉफिश नोन एज कैरलेशन क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने वाला कैरल पर्सन है इसने इसको मैथामेटिशन इसको मैथड को एक्सप्लेन किया तो इसी के नेम से फेमस हो गया और क्या कहलाता है अब ये कैरलर्सन कॉफिशेंट ऑफ कॉरोलेशन इन शॉर्ट हम कॉफिशन ऑफ कॉलेशन भी कह सकते हैं बडी किसका है का कैरलर्सन कारापल्सन मैंने आपको बताया इज अ मैथामेटिशियन कहते हैं द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल कि ये जो कॉफिशन ऑफ कॉरोलेशन होता है लीनियर होता है देखिए अगर आप इससे ग्राफ के अंदर भी लाइन सीधी सीधी लाइन थी ना ये लीनियर कॉफिशन ऑफ कोरोन होता है इस इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर इसको हम स्मॉल आर से शो करते हैं अब सबसे अहम चीज इसका फार्मूला जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं देखिए बेटा ये फार्मूला है कैरल पर्सन कॉन्फिशेंट ऑफ कोरिलेशन का आर एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई अगर आप गौर कर रहे हैं पीछे हम पढ़ चुके हैं पीछे हमने जब रिग्रेशन कॉन्फिशेंट पढ़े थे उसके अंदर नोमिनेटर उसका ये था डिनोमिनेटर अंडर रूट एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर ये वाई ऑन एक्स का डिनोमिनेटर था ये वाई एक्स ऑन वाई का था अंडर रूट एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल स्क्वायर अब इसको हम स्मॉल आर्ट से शो करेंगे इसे हम कहते हैं कॉफिशेंट ऑफ कैरल पर्सन कॉफिशंट ऑफ कोरिलेशन इसका फार्मूला क्या बेटा एन समीशन एक्स वाई माइनस एक्स इंटू समीशन वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई का होल स्क्वायर ये बेटा हमने पढ़ा कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला ठीक है बेटा जिसको कैरल पर्सन ने एक्सप्लेन किया था अब हम इसको मजीद मैथामेटिकली डिस्कस करेंगे अगर आप गौर करें आपके पास ये क्वेश्चन गिवेन है क्वेश्चन में हमारे पास है कहते हैं कैलकुलेट कैरल पर्सन कॉफिशेंट ऑफ को अब हमें इनको कैलकुलेट करना है और इसके लिए आपको ये गिवेन है क्वेश्चन क्या क्या गिविन है बेटा आपको एक्स गिविन है और वाई गिविन है अब सबसे पहले देखिए हमें क्योंकि फार्मूला दोबारा से मैं एक दफा आपके सामने ले आता हूँ देखिए फार्मूला क्या है हमारे पास एन समी एन का मतलब नंबर्स कितने नंबर्स हैं ये कि नहीं समे एक्स वाई का यानी कि मैं x और y दोनों को मल्टीप्लाई करके सम करूंगा फिर मुझे सम ऑफ x x का सम चाहिए सम ऑफ y y का सम चाहिए फिर मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए और वाई स्क्वायर बी चाहिए ठीक है बेटा तो बहरहाल इसकी अब हम कैलकुलेशन को शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला सबसे पहले हम क्या करेंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बाय कैलकुलेटर मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको बेटा ट्वेल्व को जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे पहला आंसर हमारे पास आ जाएगा जीरो फिर हम फोर्टीन मल्टीप्लाई बाई फोर करते हैं तो देन वी गेट फिफ्टी सिक्स इसी तरीके से मैं सिक्सटीन को सिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ मेरे पास रिजल्ट आता है नाइनटी सिक्स ओके बेटा फोर्टी एटीन मल्टीप्लाई बाय एट किया हमने हमारे पास आया वन फोर्टी फोर सिक्सटीन मल्टीप्लाब है टेन किया तो हमने गेट किया वन सिक्सटी अब इसी तरह एक्स का स्क्वायर करेंगे जीरो का स्क्वायर करेंगे तो वो जीरो आएगा फोर का स्क्वायर हमने किया वो सिक्सटीन फिर हमने सिक्स का स्क्वायर किया दैट वी गेट सिक्स थर्टी सिक्स एट का स्क्वायर करने पे सिक्सटी फोर और टेन का स्क्वायर करने पे हमने गेट कर लिया हंड्रेड इसी तरीके से बेटा हम इसका स्क्वायर करेंगे ट्वेल्व का स्क्वायर किया हमने हमारे पास आया वन फोर्टी फोर अब हम फोर्टीन का स्क्वायर करा हमने गेट किया वन नाइन्टी सिक्स सिक्सटीन का स्क्वायर करने पे हमारे पास आया टू फिफ्टी सिक्स फिर हमने एटीन का स्क्वायर किया तो बेटा थ्री ट्वेंटी फोर और फिर सिक्सटीन का स्क्वायर करने पर टू फिफ्टी सिक्स अब हम इनको मैथामेटिकली सबसे पहले एक्स का सम करेंगे एक्स का सम किया तो मेरे पास आ गया ट्वेंटी एट मैंने y का टोटल करना है y का सम करने पर बेटा मैंने गेट किया सेवेंटी सिक्स फिर मैं एक्स वाई का टोटल करता हूँ तो मेरे पास आता है टू फिफ्टी सिक्स फिर हमने एक्स स्क्वायर का टोटल किया हमारे पास आ गया टू हंड्रेड सिक्सटीन फिर हमने वाई स्क्वायर का सम किया तो वन वन सेवन सिक्स ये तमाम रिजल्ट हमने हासिल कर लिए अब हम इसे क्या करेंगे बेटा अपने फार्मूला कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के अंदर रिप्लेस करेंगे ये हमारे पास फार्मूला आ गया कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का दोबारा से मैं लिखता हूँ इसके अंदर आर मालूम कर रहे हैं बेटा एन का मतलब नंबर हमने नंबर काउंट किया था हमारे पास टोटल फाइव नंबर आ गए सम ऑफ एक्स वाई आपने भी मालूम किया फोर फिफ्टी सिक्स माइनस फिर हम सम ऑफ एक्स लेंगे बेटा ट्वेंटी एट सम ऑफ वाई स्क्वायर रखेंगे वो है हमारे पास सेवेंटी सिक्स डिवाइडेड बाय बिल्कुल देखिए सिंपल तरीका है कैलकुलेटर के अंदर मतलब फार्मूले में रिप्लेस करना और सिंपल हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे बेटा फिर हमने लिया इसके अंदर अंडर रूट अंडर रूट के अंदर एन की जगह लिया हमने फाइव अब हमें सम ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए देखिए आपके पास लिखा हुआ है टू हंड्रेड सिक्सटीन फिर उसके बाद हम क्या लेंगे बेटा माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब ट्वेंटी एट का होल स्क्वायर कर लिया बेटा हमने ये तमाम वैल्यू हमारी रूट में आएगी इन टू मतलब मल्टीप्लाई फिर हम दूसरा रूट लेंगे एन की वैल्यू लेंगे फाइव हमारे पास सम ऑफ वाई स्क्वायर चाहिए बेटा वो आया था वन वन सेवन सिक्स फिर हमने ब्रैकेट क्लोज किया माइनस फिर हमने लिखा सेवेंटी सिक्स का होल स्क्वायर बेटा ब्रैकेट में रखने का बेनिफिट ये होता है कि हम वैल्यू को मिसिंग नहीं करते किसी भी किस्म की हमारी तमाम वैल्यू परफेक्टली आ जाती है कि अच्छा जी अब हम क्या करेंगे फोर फिफ्टी सिक्स अब बिल्कुल या तो आप कैलकुलेटर यूज कर लें या डायरेक्टली मैं इसका रिजल्ट भी लिख सकता हूँ बहरहल इसका मैं कैलकुलेट कर, कर आपको दिखाता हूँ हमने लिया फोर फिफ्टी सिक्स फोर फिफ्टी सिक्स इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा फाइव से तो हमने गेट किया डबल टू 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 एट जीरो माइनस अब हम क्या करेंगे इसके बाद ट्वेंटी एट को मल्टीप्लाई करेंगे सेवेंटी सिक्स से हमारे पास रिजल्ट बना टू वन टू एट टू वन टू एट डिवाइडेड बाय इसी तरीके से हम अंडर रूट पहले अंडर रूट लेंगे इसके अंदर भी कैलकुलेट कर लेते हैं डायरेक्ट वे में शो करते हैं बेटा देखो टू हंड्रेड सिक्सटीन इसको मल्टीप्लाई किया मैंने फाइव से तो मेरे पास आया वन ज़ीरो वन ज़ीरो एट ज़ीरो माइनस अब मेरे पास ट्वेंटी एट का स्क्वायर करना है मैंने ट्वेंटी एट का स्क्वायर गेट किया बेटा और मेरे पास रिजल्ट आ गया सेवन एटी सिक्स सेवन एट फोर इस रूट की वैल्यू निकाली इसी तरीके से मैं इस रूट की भी शो कर देता हूँ आपको एक दफ़ा बेटा ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए फाइव मल्टीप्लाई बाय वन वन सेवन सिक्स हमने इसका रिजल्ट गेट किया हमारे पास आया फाइव नाइन फाइव एट एट ज़ीरो माइनस अब हम लेंगे सेवेंटी सिक्स इसका स्क्वायर लेंगे सेवेंटी सिक्स इसका स्क्वायर लिया बेटा हमने और हमने गेट किया फाइव सेवन सेवन सिक्स और ये तमाम वैल्यू हमारी अंडर रूट के अंदर है इसी तरीके से ठीक है बेटा सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू हम सॉल्व कर रहे हैं वो हमारे पास है डबल टू एट जीरो इसमें से माइनस क्या मैंने टू वन टू एट को हमने गेट किया वन फिफ्टी टू ठीक है बेटा डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू हम लेते हैं और डायरेक्टली कैलकुलेट देखिए किस तरह करेंगे इसमें से माइनस कर रहे हैं सेवन एट फोर इसका रिजल्ट गेट किया और इसी का हम इसी टाइम अंडर रूट भी ले लेते हैं देखिए रूट लेने पर हमारे पास इसका रिजल्ट बना सेवनटीन पॉइंट टू जीरो इसको मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया ठीक है और इसी तरीके से देखें बेटा मैं दूसरी कंडीशन ले रहा हूं दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या है आप गौर से देखें कैलकुलेटर को हमारे पास है फाइव एट एट जीरो इसमें से माइनस करेंगे फाइव डबल सेवन सिक्स ठीक है और इसको माइनस करके हमने गेट किया जो भी रिजल्ट आया इसका हम डायरेक्ट रूट गेट कर लेते हैं बेटा ये देखिए रूट आ गया तो कितना आ गया बेटा टेन पॉइंट वन नाइन हमने यहाँ पे लिखा इसका रिजल्ट आ गया टेन पॉइंट वन नाइन फिर लिखा हमने आर वन फिफ्टी टू अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं देखें 17.20 पॉइंट टू जीरो को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ टेन पॉइंट वन टेन पॉइंट वन नाइन को ठीक है जी मेरे पास रिज़ल्ट आया नीचे वन सेवेंटी फाइव पॉइंट टू सिक्स और अब मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ देखिए दोबारा से वन फिफ्टी टू इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ वन सेवन फाइव पॉइंट टू सिक्स से और आपका रिजल्ट बना जीरो पॉइंट एट सिक्स हमने लिखा जीरो पॉइंट एट सिक्स ये मालूम हो गया जीरो पॉइंट एट सिक्स कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन ठीक है बिटवीन आर एक्स वाई हमने कॉफिशेंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट किया देखिए हमने इन दोनों को माइनस किया 152 आया दोनों को माइनस करके इसका रूट लिया 17.20 आया दोनों को माइनस करके इसका रूट लिया 10.19 आया फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया 175.26 फिर 152 को जब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आर यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का रिजल्ट आगे बैठा ठीक है इसी तरीके से इसका एक बात आपको भी बता दूं इसकी लिमिट जो होती है इसका रिजल्ट प्लस वन से लेकर माइनस वन के दरियान होता है इसको हम अगली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसके लिमिट्स में आपको बताऊंगा लिमिट्स क्या होती हैं हम अपने कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी आर के ऊपर कमेंट्स भी दे सकते हैं बस अभी दिस टाइम ये बात बाहन में रखें इसका आंसर कब मैक्सिमम आंसर वन हो सकता है वन से ग्रेटर कभी भी नहीं हो सकता इसका आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है ठीक है बेटा इसको हम फिर नेक्स्ट जो क्लास कर लेंगे उसके अंदर मजदूर डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की रेंज को इसकी लिमिट को और मजीद नया टॉपिक इसमें लेंगे ठीक है बेटा अल्लाह हाफिज़